ये व्हाट्सअप गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं कि स्निपिंग टूल को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, स्निपिंग टूल से हम क्या क्या फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, स्निपिंग टूल से स्क्रीनशॉट कैसे लिया जाता है, अगर जैसे कि हम कोई वीडियो देख रहे हैं तो उस वीडियो को चलते वक्त उसका स्क्रीनशॉट कैसे लिया जाता है। तो स्निपिंग टूल बेसिकली स्क्रीनशॉट के लिए यूज़ किया जाता है जनरली। अगर आपके लैपटॉप में स्क्रीनशॉट लेने का ऑप्शन नहीं आता है तो आप स्निपिंग टूल का यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं स्निपिंग टूल को किस तरीके से यूज किया जाता है, इसके क्या क्या फंक्शन है, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं, तो देखते हैं। चलिए स्टार्ट। तो अगर आप देख सकते हैं जनरली सर्च बार में जाकर आप सर्च कर लीजिए स्निपिंग टूल, तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा स्निपिंग टूल का, आप इसे ओपन कर लीजिए। आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, वो आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा मोड का, इसके अंदर आप अलग अलग तरीके की स्निप्स या अलग अलग तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट दिखाई दे रहा है आपको फ्री फ्रॉम स्निप, तो फ्री फ्रॉम स्निप के अंदर आप जिस तरीके एरिया सर्कल राउंड ले सकते हैं, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल की तरफ दिखाता हूँ, जैसे मैंने कुछ इस तरीके का एरिया सेलेक्ट कर लिया, तो ये इस तरीके का स्निप मिल गया, मैं इस तरीके का स्क्रीनशॉट मिल गया। इसी तरीके इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, जिससे जैसे रेक्टेंगुलर स्निप है, रेक्टेंगुलर स्निप से आप एकदम रेक्टेंगल की फॉर्म में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विंडो स्निप के अंदर आपकी कंप्लीट विंडो और कंप्लीट स्क्रीन का स्क्रीनशॉट आ जाएगा। और इसमें टाइमर का ऑप्शन भी, जिससे आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं, आपको सेलेक्ट करने कितने सेकेंड बाद स्क्रीनशॉट लेना है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो हम स्क्रीनशॉट या जो स्निप हम लेते हैं उसको सेव किस तरीके से किया जाता है। तो मैं यहाँ से मोड से रेक्टेंगुलर स्निप सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया, तो अब यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स आ गए। इसके अंदर मैं पेन वगैरह भी यूज़ कर सकता हूँ, हाईलाइटर, इरेजर और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं इसके अंदर यूज ले सकता हूँ। पेन है, पेन के अंदर अलग अलग कलर्स हैं, तो इसको सेव करने के लिए आप सिंपली कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन खुल जाएगा कि आप इसको कहाँ पर सेव करना चाहते हैं। जैसे कि मैं लोकल डिस्क के अंदर ब्लेंडर में सेव कर रहा हूँ, आप इसका नाम दे दीजिए कुछ भी और ये यहाँ से सेव हो जाएगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप जैसे कोई मूवी देख रहे हैं और उस टाइम अगर आपको कोई स्क्रीनशॉट लेना है और जमीन मूवी के अंदर कैसे स्क्रीनशॉट लिया जाता है, तो इसके अंदर एक और फीचर है जैसा कि आपको नीचे दिख रहा होगा स्निपिंग टूल इज मूवी। तो आपको यहाँ पर विंडोज शिफ्ट एस के साथ अगर कोई रनिंग फॉर एग्जांपल के लिए देखिए, जैसे मैंने ये यहाँ पर कुछ सर्च करने के लिए मैंने ये कोड रखा है और मैं अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ, जैसे मैं स्निपिंग टूल वाला ऑप्शन पर क्लिक करूँगा वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा और मैं उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाऊँगा। तो इसके लिए ये फीचर है विंडोज शिफ्ट एस, ये प्रेस करके आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने खोल रखा और मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा विंडो शिफ्ट एस, तो आपके सामने ये ऑप्शन आ गया, अब आप इसका इजीली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका यहाँ पर सेव हो गया और सिंपली कंट्रोल एस प्रेस करके आप इसको भी सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल की जैसे कि मैं ये मूवी देख रहा हूँ और मुझे इसका स्क्रीन शॉट लेना, तो मैं कैसे लूँगा, मैंने ये फुल स्क्रीन में कर रखा तो अभी नीचे मैं इसको साइड में बंद करके फिर से स्निपिंग टूल ओपन करूँगा तो ये मूवी क्लोज हो जाएगी। तो यहाँ पर आप सिंपली विंडो शिफ्ट एस प्रेस कर दीजिए तो आप इसका इजीली यहाँ पर ये मूवी यहाँ पर पॉज हो जाएगी और यहाँ पर आप इजीली इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। तो दैट्स इट गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।